बात कर लेते हैं ग्वालियर की। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही 136 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और एक एक कार्यकर्ता पूरे तनमन से लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आगे की स्थिति में है और मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी सरकार बनेगी। इस सूची से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव है तो चुनाव होगा ही। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में विक्रम मस्ताल को उतारने पर भी केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी 136 सीटें पहले जारी कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम पर लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी काफी आगे की स्थिति में है और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस की सूची से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चुनाव है तो चुनाव तो हो ही गई। नहीं, दरअसल क्या है कि शिवराज जी बहुत लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में और वर्षों से वो क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, वहाँ उनको कोई चुनौती नहीं।